हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। भाई गौरव कपूर ब्लॉग्स में फिर से स्वागत है। और भाई आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, ये हम लोग बनाने वाले हैं Z2 के ऊपर कि भाई Z2 के बेनिफिट्स क्या हैं जिन लोगों ने Z2 लिए। बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई Z2 मॉडल सही है नहीं, हमें लेना चाहिए। इवन न्यू बुकिंग्स के लिए भी लोग पूछ रहे हैं कि Z2 ले या ना ले। तो फटाफट से इसकी बात करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि Z2 वेरिएंट लेना किसको चाहिए। तो भाई Z2 वेरिएंट, अगर आप गाड़ी के एंथुसियास्ट हो जिनको खुद अपनी गाड़ी डिजाइन करना पसंद है, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कराना, तो Z2 आपके लिए बना है। यानी कि आपने एक गाड़ी जो कि बेस मॉडल पे है और अब आप उस गाड़ी को अपने हिसाब से डिजाइन करोगे। मतलब भाई मैं चाहता हूँ कि इस गाड़ी का जो फुट स्टेप है वो मेरे हिसाब के हो, इस गाड़ी का जो स्पॉयलर है वो जो मैं लगाऊ अलग डिजाइन का वो हो, बाकी सबसे सिमिलर ना हो। इस गाड़ी के इंटीरियर में जो सीट कवर्स है वो मेरे हिसाब से डिजाइन हो, जो स्पीकर्स हैं वो भी मैं लगवाना चाहता हूँ। ऑल्दो आपको Z2 में स्पीकर सेटअप, 4 स्पीकर मिलेंगे और म्यूजिक सिस्टम इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिलेगा। और अगर आप सॉफ्टवेयर वाली चीजों के इतने शौकीन नहीं हो, एंड्रॉइड एक्स वगैरह, आपको ये सब कुछ फालतू की चीजें नहीं चाहिए, और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, आप चाहते हो कि मैं गाड़ी ले लूं और मैं इसको धीरे धीरे टाइम के साथ मॉडिफाई करवाऊंगा, तो Z2 आपके लिए बना हुआ है। तो भाई बिना कुछ सोचे समझे Z2 के मान लो कि Z2 काफी अच्छा वेरियंट है अगर आप सेल्फ मॉडिफिकेशन में विश्वास रखते हो। अगर आप चाहते हो आपकी गाड़ी मस्ट मॉडिफाई अपने हिसाब से करो, कुछ लोग होते हैं जिनको भाई गाड़ी नॉर्मल ले लो फुल ब्लैक गाड़ी कराते हैं, तो भाई टॉप मॉडल और ऊपर क्रोम वाले मॉडल्स में जाने की क्या जरूरत है। अगर आपको ब्लैक ही करानी है तो Z2 ले लो, Z4 ले लो, पूरा ही भाई डी क्रोम होके मिल रही है आपको गाड़ी। आप उसमें ब्लैक करवाना की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैक है। हाँ Z4 में आपको गाड़ी की हाइट की वजह से वो मिल जाएंगे आपको फुटस्टेप्स, Z2 में नहीं है, Z4 में है। लेकिन Z4 में भी सिल्वर है जो अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं कि भाई हमें फुटस्टेप नहीं चाहिए, जिनको ऊंची गाड़ी पसंद होती है। और अगर फुटस्टेप आप कुछ लोगों का शौक होता है, आजकल वो आते हैं ना गाड़ी खुले तो फुटस्टेप खुल जाए, गाड़ी दरवाजे बंद है तो फुटस्टेप क्लोज होता है, अगर आपको उस चीज का शौक है तो भाई Z2 आपके लिए बना हुआ है। सबसे सस्ती गाड़ी लेके सबसे अच्छे मॉडिफिकेशंस करा सकते हो आप। सोचो आप Z2 ले रहे हो, Z2 के अंदर अगर आपने फोल्डेबल वाले फुटस्टेप डलवा लिए, पीछे जो स्पॉइलर है वो आपने और मॉडिफाइड, जो कंपनी वाला आ रहा है उसकी बजाय आपने एक अलग हुड वाला अच्छा सा ऊंचा उठा हुआ लगवा लिया, ठीक है, विद टेल लाइट एक प्यारी सी, पीछे वाले बम्पर है अगर आपने उसमें एक प्यारी सी रॉड लगवा ली, तो ये थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कराने के बाद जो आपकी Z2 है ना भाई, ये टॉप मॉडल से भी अच्छी लग सकती है। आपने अलॉय व्हील्स और डलवा लिए एक अच्छे से, जो काफी लोग आफ्टर मार्केट पसंद करते हैं, सेम डिजाइन लेना पसंद नहीं करते हैं, तो भाई अगर ये सब Z2 में करा लिया ना, मैं कह रहा हूँ टॉप मॉडल से ऊपर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका खुद का कस्टम डिजाइन है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी गाड़ी को कुछ ऐसे डिजाइन करो जो हटके दिखे, तो भाई Z2 ना सबसे बेस्ट चीज होगा इसके लिए। हाँ आपको सॉफ्टवेयर वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बंदा सेल्फ मॉडिफिकेशन और इतना सब कुछ करना चाह रहा है ना, उसको फिर इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर वाले फीचर्स की तरफ ध्यान अगर नहीं भी दे रहा है तो चल जाएगा। आपको कम रेट में इतनी सब चीजें मिल रही हैं, आपको पेट्रोल में तो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग भी मिल रहा है, डीजल में हाइड्रोलिक मिलेगा Z2 में, लेकिन इतना कम फीचर्स होने के बाद भी जो Z2 है इस रेंज के साथ, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा इंजन, इतनी पावर के साथ अगर आप ले रहे हो, पेट्रोल में तो भाई वही 200 हॉर्स पावर वाला सीन है, तो अगर आप जा रहे हो तो ये कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित होने वाला है आपके लिए। सेकेंडली भाई बहुत लोगों का ये डाउट हो रखा है कि यार पेट्रोल में 200 हॉर्स पावर है, डीजल में एवरेज और पेट्रोल में एवरेज का क्या फर्क आने वाला है, क्योंकि पेट्रोल इतना बड़ा इंजन है तो एवरेज क्या देगा। अब भाई मैंने पर्सनली गाड़ी चलाई नहीं है, ठीक है, मतलब कि एवरेज के हिसाब से नहीं चलाई, ये कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको पेट्रोल में 12 के आसपास एवरेज मिलने वाला है मैनुअल में। लेकिन एक यूजर है जिनका मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप पेट्रोल गाड़ी ओवर रेव करके नहीं चलाते, यानी 2,500 RPM पे तमीज से चलाते हो, वो होता है ना एक तमीज से चलाने वाला तरीका जो सबके पापा लोग कहते हैं, हम लोग सुनते नहीं है, ठीक है, अगर आप उस वाले तरीके से चलाते हो भाई, तो आपको कहीं ना कहीं 13-14 की एवरेज पेट्रोल में मिलने के चांसेस है। हाईवेज लोकल में नहीं, हाईवेज पे आपको एवरेज मिलने के चांसेस है। बाकी हर किसी की एवरेज निकालने का अपना तरीका होता है, भाई फॉर्चुनर पे लोग 16-17 की भी एवरेज निकाल रहे हैं, अज्जू भाई निकाल रहे हैं यार, सबको पता है। तो अगर आप मेंटेन करके गाड़ी चलाते हो ना, तो भाई एवरेज तो आपके खुद के हाथ में। भाई अगली वीडियो ना एक Z4 पे आने वाली है। मेरे को भाई बाय चांस एक रिसोर्स के थ्रू कल एक Z4 मिली और मैं उसका शूट करने गया। भाई मैंने ना उसका पर्सनली बैठ के अपना फोन कनेक्ट करके उसका म्यूजिक सिस्टम चलाया Z4 का, जो Z2 में भी मिल रहा है वही, हर दरवाजे में मतलब 4 स्पीकर है, हर दरवाजे में एक एक और बीच में एक इंफोटेनमेंट सिस्टम है। भाई लोग कह रहे हैं कि वो म्यूजिक सिस्टम का साउंड अच्छा नहीं, Z4 का जो आ रहा है, जो कुछ लोगों ने सुना है कि अच्छा है ठीक है पर इतना अच्छा नहीं है। भाई मैंने ना अपना फोन कनेक्ट करा था, नॉर्मल Spotify से गाने चलाए थे मैंने, उसमें क्या है ना आप सेटिंग्स में जाओगे तो एक स्पीकर ट्यूनिंग का ऑप्शन आता है, हर किसी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, जिसमें आप इक्विलाइजर, ट्रबल, बेस, मिड, ये सब चीजें आप सेट कर सकते हो। प्लस इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है आपको सिस्टम किस चीज में डेवलप करना है, यानी कि रॉक वर्जन सुनना चाह रहे हो आप, पॉप सुनना चाह रहे हो, हिप हॉप या कस्टम, कस्टम में क्या आप सारी चीजें सारी बार अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो।
तो ये सब चीजें हैं। जब मैंने उस इक्विलाइजर सिस्टम को सेट किया, ठीक है, और स्पॉटिफाई से मैंने गाने चलाए नॉर्मल, तो भाई मेरे जो पैर थे ना, जो मतलब मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था और ड्राइवर सीट के नीचे ही स्पीकर है, मतलब नीचे ना से दरवाजे भी नीचे की तरफ स्पीकर है, अगर मैं बेस और ये सब फुल करके एक अच्छा इक्विलाइजर रॉक पे लगा के मैं उसको चला रहा था, तो भाई पैरों में ना मेरे को वाइब्रेशन फील हो रही थी, बूम बूम भाई गजब। मैं कह रहा हूँ आपको म्यूजिक सिस्टम का अगर आपको इतना ज्यादा मतलब, हाँ गाड़ी अगर कांपनी है, आप चाहते हो गली के अंदर वो दूर से सुनाई दे बूम बूम बूम, तो भाई वो चीज नहीं होगी। लेकिन अगर आपको गाड़ी के अंदर एक अच्छा साउंड चाहिए, एक अच्छा बेस चाहिए, तो भाई म्यूजिक सिस्टम को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतना बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है। अगर मैं नॉर्मल रेंज में जाता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा एवरेज म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। कई लोगों से मैंने सुना है कि भाई टॉप पे जाके इसकी आवाज फट रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी ना आपके ऐप पे भी डिपेंड करता है, आपकी जो सॉन्ग चला रहे हो उसके क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। याद है पुराने टाइम में हम लोग सॉन्ग डाउनलोड करते थे भाई 120 केबीपीएस, 480 केबीपीएस, तो इन सब चीजों पे काफी चीजें डिपेंड करती है। सॉन्ग अच्छा होना चाहिए, ऐप अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तो भाई म्यूजिक सिस्टम इसका जबर है। Z2 में एक और खासियत है, कुछ लोग होते हैं हैंडल्स को पूरा क्रोम कराते हैं, तो अगर आपके पास Z2 है, आप सोच रहे हो कि भैया इसके हैंडल तो है बिल्कुल ब्लैक कलर मिल रहे हैं, बॉडी कलर भी नहीं मिल रहे, तो जिनको उसके ऊपर क्रोम लगाने का शौक है भाई उनके लिए तो प्लस पॉइंट हो गया, आप सीधा उसके ऊपर क्रोम लगाओ और मजे ही मजे हैं। हेडलाइट आपको सेम मिल रही है जो Z4 में मिल रही थी, फॉग लाइट जो है वो Z4 वालों को भी लगवानी पड़ रही है, Z2 वालों को भी लगवानी पड़ रही है, तो इतना कुछ खास फर्क नहीं है। जो फुटस्टेप है वो आप अपनी मर्जी से फोल्डेबल वाले लगवा लोगे तो भाई उसकी चौड़ अलग होगी, मजे ही अलग है उसके तो। और अगर मैं सेफ्टी फीचर की बात करूं तो भाई ESC, हिल होल्ड और हिल डिसेंट, ये तो अब Z2 में भी ऐड कर दिया गया है, ब्राउज़र में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये फीचर अब आपको Z2 में भी मिलने वाले हैं, तो ये फीचर्स भी मिल रहे हैं। एक क्रूज कंट्रोल है जो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन भाई दिल पे हाथ रख के सच्ची सच्ची बात बताना, क्रूज कंट्रोल कहां यूज करोगे? क्रूज कंट्रोल आपका यूज हो सकता है जिस हाईवे पे भाई कम से कम खुला हाईवे 3-4 लेन, ठीक है, और उस पर ट्रैफिक कम है, वहां आपका क्रूज कंट्रोल यूज हो सकता है। मुझे बता दो भाई इंडिया के अंदर ऐसी बहुत कम जगह है जहां क्रूज कंट्रोल यूज हो सकता है इतनी बड़ी गाड़ी के साथ। क्रूज कंट्रोल अगर आप किसी बड़े हाईवे पे यूज करते भी हो तो स्कॉर्पियो लेने वाले ऐसे कितने यूजर हैं जो शराफत से 70-80 पे क्रूज करके चलाएंगे, मुझे ये बता दो भाई। है भाई गाड़ी लेने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, भाई इतना बड़ा इंजन है मैं तो दबाऊंगा पंजा और रेव करके चलाऊंगा गाड़ी, या कभी कभी धीरे धीरे चलाऊंगा। अगर तुम दिल्ली NCR या बैंगलोर या हैदराबाद ऐसी पॉपुलेटेड सिटीज में रहने वाले हो, या तो भाई तुम्हारा क्रूज कंट्रोल चलेगा नहीं। तुम अगर ऑफ रोडिंग करने गए हो, वहां तुम्हारा क्रूज कंट्रोल चलेगा नहीं। तुम अगर गलियों में मार्केट में चला रहे हो, वहां तुम्हारा क्रूज कंट्रोल चलेगा नहीं। किसी ट्रैफिक बंपर टू बंपर में चला रहे हो, वहां तुम्हारा क्रूज कंट्रोल चलेगा नहीं। फोटो लेने का काम आएगा और कुछ काम नहीं आने वाला, तो उसका दुख भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है। है तो ठीक है, नहीं है भाई तो भी ठीक है, भगवान की दुआ से। एक चीज है जो पीछे वाले शीशे पे ना आपको वाइपर और डिमिस्टर नहीं मिलता है, तो वो एक चीज है, इतनी बड़ी गाड़ी में ये चीज होनी चाहिए थी। लेकिन अब एक और बात कहूंगा भाई, जो इतनी बड़ी गाड़ी लेते हैं पीछे देखता कौन है, वो तो लोग देखते हैं ना गाड़ी को, कि गाड़ी मुड़ रही है, आगे से आ रही है, कहां से आ रही है। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना सही पॉइंट हमारा है नहीं हमारा है। तो मोटे मोटे बात ये है कि Z2 लेने वाले आपको बेनिफिट तब है अगर आप गाड़ी से बाहर मॉडिफाई कराने में विश्वास रखते हो, या फिर आपका बजट कम है, आप चाहते हो मैं धीरे धीरे गाड़ी को मॉडिफाई करवाऊंगा, धीरे धीरे इसमें चीजें लगवा लूंगा, तो Z2 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सनरूफ भी नहीं चाहिए, कुछ फालतू की चीजें नहीं चाहिए, और टू बी वेरी ट्रू ना टॉप मॉडल में आपको इतने फीचर्स मिल रहे हैं जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो जिंदगी भर कोई यूज भी नहीं करने वाला। तो बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको मॉडिफाई करवा के टॉप मॉडल से भी बहुत अच्छा बना सकते हो टाइम के साथ साथ, क्योंकि इस गाड़ी का टाइम आया है, इसका दौर है, इसका दौर जाएगा नहीं। स्कॉर्पियो का दौर आज तक नहीं गया, तो भाई इसका काल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और कमेंट में जरूर बताना जो अभी मैंने बोला था ना, लोग देखते हैं हम नहीं देखते, इतनी बड़ी गाड़ी लेने वाले जो लोग होते हैं वो नहीं देखते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा भाई। तब तक के लिए बी विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड